Welcome to this math session, students. In this math session, we are starting a new topic, 2.4 factor theorem. Reminder theorem आप already जानते हो. Factor theorem आपके reminder theorem का extended version है या उसका special case है. Factor theorem based questions हम already कर चुके हैं, as well as हम Kahoot में भी खेल चुके हैं. Last वाला Kahoot आपको याद होगा, है ना? Right? जहाँ पे अगर वो आपका factor है तो क्या होगा, ठीक है? चलो मुझे बस एक रिप्लाई दो. रिमाइंडर थ्योरम में हमारा क्या होता था स्टूडेंट्स, अगर x माइनस a से आप p ऑफ x को डिवाइड कर रहे हो, इफ यू आर डिवाइडिंग एनी पॉलिनोमियल p ऑफ x बाय x माइनस a, राइट, आइदर आप उसे इस तरीके से लिख रहे हो या p ऑफ x को अगर आप x माइनस a से डिवाइड कर रहे हो, यहाँ आपको मिलता था कोशेंट, उसके बाद इधर आपको मिलता था रिमाइंडर. तो रिमाइंडर हम किस तरीके से फाइंड करते थे, टेल मी. रिमाइंडर थ्योरम आपको क्या बोलता था? योर रिमाइंडर विल बी p ऑफ a और नॉट, टेल मी प्लीज एवरीवन. हाँ या ना? रिमाइंडर आपका पी ऑफ ए होता था. अब मुझे एक चीज बताओ स्टूडेंट्स, अगर x माइनस ए पी ऑफ x का फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ x तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? टाइप इन चैट बॉक्स, सोचो. कोई नंबर्स लेके भी आप सोच सकते हो, इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ x तो रिमाइंडर क्या होगा. दिस वॉज योर रिमाइंडर थियरम. नाउ आई एम शोइंग यू फैक्टर थियरम. जीरो, वेरी गुड जैलिन, वेरी गुड राघवी, वेरी गुड एवरीवन, राइट. मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने आंसर दिया. अगर x माइनस ए पी ऑफ x का फैक्टर है, इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ x, देन आई कैन से दैट रिमाइंडर विल बी इक्वल टू जीरो. आपका रिमाइंडर हो जाएगा जीरो, राइट. एंड सिंस नाउ योर रिमाइंडर इज जीरो, रिमाइंडर आपका पी ऑफ ए है, सो कैन आई से दैट देयरफॉर पी ऑफ ए इक्वल टू जीरो. रिमाइंडर थ्योरम में आपका पी ऑफ ए जीरो हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर थ्योरम में जो पी ऑफ ए आता था वो फैक्टर थ्योरम में जीरो हो जाएगा. इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? इज इट क्लियर, राइट. तो अब अगर फैक्टर थ्योरम को आपको पूरे वर्ड्स में लिखना है, हाउ कैन यू राइट दिस फैक्टर थ्योरम? लेट पी ऑफ एक्स इज एनी पॉलिनोमियल having degree greater than or equal to 1 if p of x is divided by, sorry, if x minus a is factor of p of x where a is any real number, if x minus a is factor of p of x where a is any real number, then p of a must be zero. P of a must be zero. इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपका x माइनस ए पी ऑफ x का फैक्टर है तो पी ऑफ ए आपका जीरो हो जाएगा. क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ या ना? एवरीवन टेल मी, क्या ये चीजें क्लियर हैं? राइट. इसके बाद हम और भी नई नई चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं, जैसे फैक्टराइजिंग यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड. क्लास 8 की स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आपको याद है? क्लास 8 में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड हमने पढ़ी थी, राइट. जिन स्टूडेंट्स को ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म याद है वो हम डायरेक्टली वो क्वेश्चन एक्सेस कर पाएंगे. जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स है जिन्हें क्लास 8 की स्प्लिटिंग द मिडल टर्म याद नहीं है, सो डोंट वरी, वो मैं एक बार आपको वापस पढ़ाऊंगा. फिर वो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज करके और फैक्टर थ्योरम, ये दोनों यूज करके बड़ी बड़ी पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट. तो इसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन होंगे, इसमें भी आपके दो क्लास तो लगेंगे. तो लिखने का मैं आपको एक साथ टाइम देता हूँ, फॉर्मूला बुक और रेगुलर बुक भी. अभी के लिए हम बस एक फैक्टर थ्योरम हमने छोटा सा पढ़ा, वो छोटे से फैक्टर थ्योरम के बेसिस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं. ओके. जैसे लेवल वन में क्वेश्चन वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, ये तीन क्वेश्चंस आपके इन क्लास एक्सरसाइज के फैक्टर थ्योरम के बेसिस पे हैं. इन अ सेम वे होमवर्क में क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, दो क्वेश्चन होमवर्क के फैक्टर थ्योरम के बेस पे हैं डायरेक्टली. नेक्स्ट क्लास में हम ट्राई करेंगे कि ये पूरी एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाए. इसमें टोटल 10 क्वेश्चन होमवर्क में, 7 क्वेश्चन इन क्लास एक्सरसाइज में,
फिर 2.5 आपका आइडेंटिटीज के ऊपर है, उसमें भी 10-10 क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट फ्राइडे तक हमें कंप्लीट करना है, थोड़ी सी स्पीड हम बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो ये सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, मैंने इस बार आपके ये इन क्लास एक्सरसाइज के तीनों क्वेश्चंस एक साथ इंपोर्ट किए हैं, सबका ध्यान इधर, राइट। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर वन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन में हमें ये बोला जा रहा है, दिस इज योर इन क्लास एक्सरसाइज, दैट शो दैट एक्स माइनस वन इज फैक्टर ऑफ एक्स टू द पावर 10-1 एंड ऑल्सो एक्स टू द पावर 11-1। तो फैक्टर दिखाने के लिए पहले मैं एक्स टू द पावर 10-1 और एक्स टू द पावर 11-1 को कुछ नाम दे दूं, सपोज पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स नाम दे सकता हूँ, राइट प्रतीका, राइट रोहित, अपूर्वा, सानवी, राइट सांकेती। सो हियर लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 10-1 एंड क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 11-1। सेम रिमाइंडर थियरम में हम आपका जो डिवाइजर था उसके जीरो फाइंड करते थे, फैक्टर थियरम में भी उसके जीरो फाइंड करेंगे। लेट एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स आपको मिलेगा वन। अब वो वन आपको सब्सटीट्यूट करके देखना है कि पी ऑफ वन और क्यू ऑफ वन क्या आ रहा है। अगर पी ऑफ वन क्यू ऑफ वन जीरो आएगा तो हम क्या बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू फैक्टर थियरम, एक्स माइनस वन इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, एक्स माइनस वन इज फैक्टर ऑफ क्यू ऑफ एक्स। सो हियर पी ऑफ वन विल बी इक्वल टू वन टू द पावर 10-1 विच इज 1-1 विच इज जीरो। कैन आई से दैट पी ऑफ वन इज जीरो। सिमिलरली क्यू ऑफ वन इज इक्वल टू वन टू द पावर 11-1 विच इज 1-1 विच इज अगेन जीरो। तो कैन आई से दैट क्यू ऑफ वन इज ऑल्सो जीरो। ये पी ऑफ वन और क्यू ऑफ वन क्लियर है स्टूडेंट्स? पहले प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना। चलो सिंस आपका पी ऑफ वन और क्यू ऑफ वन आपके जीरोज है, सो फ्रॉम फैक्टर थियरम अगर पी ऑफ ए जीरो है, कैन आई से दैट एक्स माइनस ए दैट इज एक्स माइनस वन इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन वन क्लियर स्टूडेंट्स? Right? You can tell me yes, everyone. Question number one. Question two. For what values of a this polynomial is exactly divisible by 2x-1? बोलो ऐसे question हम कर चुके हैं? कैसे question already कर चुके हैं कि नहीं? जल्दी जल्दी बोलो. Last exercise में करके गए ना 2.3 में, right? Reminder हमने लिया था zero, right? तो वहाँ पे हम reminder theorem लिखते थे. अब बस ये factor theorem लिखना है. As per the factor theorem, p of 1/2 will be zero here, right? Can you do this from homework? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए हैं। कैन आई गिव इट टू यू फ्रॉम होमवर्क प्रतीका, हो जाएंगे? कैन यू ट्राई? क्वेश्चन थ्री, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी ऑफ एक्स इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स और नॉट। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमने किए हैं, आपको ये चेक करना है कि एक्स प्लस टू आपका इसका फैक्टर है या नहीं। इसमें दो क्वेश्चन है, दो में से कोई भी एक मैं आपको कराता हूँ, एक मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। बोलो कौन सा कराऊं एवरीवन? सेकंड। सेकंड ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। सेकंड है आपका पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स एंड जी ऑफ एक्स इज एक्स माइनस थ्री। चल सो हियर लेट एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, सो एक्स विल बी इक्वल टू थ्री। एक्स इक्वल टू थ्री हम सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। नाउ P of 3 will be equal to 3 cube minus 4 times 3 square plus 3 plus 6, 27, 9 fours are 36 plus 3 plus 6, 6 plus 3 आपका 9 हो जाएगा, 27 plus 9 will be 36, minus 36 will give you 0. So P of 3 will be 0. So therefore from factor theorem, we can say that G of x is factor of P of x. Is this clear everyone? यहाँ तक clear है, right? बोलो factor theorem के basic concept और basic questions clear हुए? Okay. तो और इसके साथ साथ आपको homework में homework exercise के question number one और question number two को भी finish करना है, okay? और Google Classroom में 2.1, 2.2 आपने भेज दिया था, अब 2.3 आपको भेजना है, ठीक है? 2.3 आपको भेजना है बिफोर मंडे, ओके? मंडे 9 AM या मंडे 9 AM का मैं डाल देता हूँ, मंडे से तो टाइम आपका चेंज होगा, बट मंडे 9 AM से पहले आपको भेज देना है। इज दिस क्लियर?
एवरीवन। ओके अब मैं आपको टाइम दे